नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद किसी भी करदाता को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि उनकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाए और यूजुअली उसी प्रकार प्रोसेस हो जाए जैसा कि उन्होंने फाइल किया था। अब इसके मायने ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमने रिफंड क्लेम किया है तो हमारे द्वारा क्लेम किया गया रिफंड एज सच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी भी एक्सेप्ट कर ले, या हमने अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी निल करते हुए रिटर्न भरा है तो हमारी निल टैक्स लायबिलिटी यानी नेट पेएबल निल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर ले। पर इन दिनों करदाताओं के पास में रिफंड के संदर्भ में कुछ इस प्रकार के मैसेजेस आए जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आपका रिफंड सही है, कृपया कंफर्म करें। तो ये मैसेज क्या है, इस मैसेज का आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है और इसके क्या क्या अन्य पक्ष हो सकते हैं, दोस्तों यही बातें लेकर के मैं आज की इस वीडियो से आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, रिसेंटली एक मैसेज जो मुझे मेरे किसी क्लाइंट के द्वारा फॉरवर्ड किया गया, जो आईटीडी सीपीसी की ओर से उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसकी लैंग्वेज थी प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न फाइल्ड फॉर पैन नंबर सो एंड सो, एक्नोलेजमेंट नंबर सो एंड सो, असेसमेंट ईयर 24-25 इज पेंडिंग ड्यू टू सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज। यानी उन्हें ये मैसेज आया कि आपकी जो प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर है वो कुछ डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, किन्हीं कारणों से या किन्हीं कमियों की वजह से पेंडिंग है, काइंडली चेक योर ईमेल एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन और बिफोर 6th of October 2024 आईटीडी सीपीसी। तो करदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसएमएस करके इस प्रकार का मैसेज भेजा कि आप अपनी ईमेल भी चेक करें जिसमें हमने डिटेल में ये बात भेजी है, और अप्रोप्रिएट एक्शन ले लें 6 अक्टूबर 2024 या उससे पहले। अब अगर मान लीजिए 6 अक्टूबर 2024 या उससे पहले हम कोई एक्शन नहीं लेते तो उसका क्या परिणाम होगा, ये बात भी समझने योग्य है। तो मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं दोस्तों, अगर आपने अपनी रिटर्न वेरीफाई कर ली, यानी ई वेरिफिकेशन कर लिया या किसी अन्य मोड में वेरिफिकेशन कर लिया, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने उनकी द्वारा रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया या रिस्पॉन्स नहीं किया, तो क्या आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी क्या? ऐसा मैं नहीं मानता। रिटर्न तो वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड नहीं होगी रिटर्न, रिटर्न आपकी वैलिड रहेगी अगर वो ई वेरीफाइड है तो। परंतु उस रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि डिस्क्रिपेंसी सहित फाइल की गई रिटर्न मान रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में फॉर टाइम बीइंग जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, सीपीसी आपकी आईटीआर को प्रोसेस नहीं करेगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी रिटर्न प्रोसेस हो, तो हमें इन डिस्क्रिपेंसी पे जो उपयुक्त जवाब प्रतीत होता है, चाहे वो हाँ हो अथवा ना हो, वो अपलोड या मार्क जरूर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यदि कोई करदाता ये देखना चाहे कि अच्छा ये जो मैसेज आया है इसको मैं जाकर के पोर्टल में देखना चाहूं तो मुझसे क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है या क्या रिस्पॉन्स मांगा गया है, तो कैसे देख पाऊंगा? तो मान लीजिए आपने अपना इनकम टैक्स लॉगिन किया, उसके बाद आपने पेंडिंग एक्शन पर क्लिक किया। पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करने के बाद वर्कलिस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। वर्कलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको फॉर योर एक्शन के अंदर रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन का ये ऑप्शन मिलेगा। जब यहां पर आप अपना रिस्पॉन्स के लिए क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट विंडो दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, फॉर योर एक्शन में, रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन में, आपके द्वारा फाइल की गई रिसेंट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर से, असेसमेंट ईयर आपको दिख रहा है लेटेस्ट रिटर्न का, आपको इन्होंने कब तक के लिए डेट दे रखी है, से 6 सितंबर को इन्होंने ये पर्टिकुलर इंटीमेशन असेसी को इशू कर रखा है कि आपका रिस्पांस चाहिए। यहाँ आपका पैन, यहाँ आप रिफंड, ज्यादातर रिफंड के केसेस में इस प्रकार की इंटीमेशंस देखने में आई हैं। और जब आप सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे की विंडो में सबमिट रिस्पॉन्स करने का ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आपने सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया तो आपको एक नई विंडो खुली मिलेगी, रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन। इसमें आपका पैन, आपकी एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपने कितना रिफंड क्लेम किया, कौन सा असेसमेंट ईयर है, और फिर आपसे कहा जाएगा प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेज। आपको इन दो में से एक रिस्पॉन्स सिलेक्ट करना है। पहला, द क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो रिफंड क्लेम किया है, जो एग्जम्पशंस क्लेम किए हैं, जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं,
आई एम श्योर वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। या सीपीसीए चाहता है, ज्यादातर उनकी तो मान्यता यही है कि आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान रहा है कि जरा आप देखिए आपकी रिटर्न में कहीं आपने ज्यादा डिडक्शन तो नहीं क्लेम किए, आपने गलत एग्जम्पशन तो नहीं क्लेम करी, और आपने टीडीएस की क्रेडिट गलत तो नहीं क्लेम कर ली, ज्यादा तो नहीं क्लेम कर ली, ये उनकी मान्यता है। अनफॉर्चुनेटली है क्या कि रिस्पॉन्स तो मांगा, ये भी कह दिया करदाता को आपकी रिटर्न में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ बताया ही नहीं। जब नहीं बताया तो असेसी कंफ्यूज रहता है कि साहब ऐसी कौन सी डिस्क्रिपेंसीज हैं सर जिसकी वजह से मुझे मैसेज आया, यानी कहानी अनसुलझी रहती है। हाँ, उन लोगों को जरूर यहां पर चिंता हो सकती है और उन्हें आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम का ऑप्शन क्लिक जरूर करना चाहिए, जिन्होंने अपनी रिटर्न में गलत डिडक्शन ले लिया, गलत एग्जम्पशन ले लिया, या इनकम कम ऑफर करी। यदि ऐसे कोई करदाता है तो उनके लिए मेरे ओपिनियन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बात यदि बाद में किसी असेसमेंट की प्रक्रिया में सामने आएगी तो उन पर टैक्स अमाउंट के डबल के बराबर की पेनल्टी लग सकती है। तो आपको जो भी ऑप्शन दोस्तों इनमें से उपयुक्त लगता है, यदि आप रिवाइज करेंगे तो आप यहां क्लिक करिए। यदि आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरा जो भी रिफंड क्लेम किया बिल्कुल सही है, तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद में अल्टीमेटली आपको सबमिट रिस्पॉन्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फाइनली जब आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर देंगे तो आपको मैसेज आएगा ग्रीन कलर में, रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन आईडी सो एंड सो, रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एक्नॉलेजमेंट नंबर सो एंड सो। सो यहां अगर आप ये मैसेज आपको दिख गया है तो इसका मतलब आपकी ओर से रिस्पॉन्स फाइनली फाइल हो गया है, और आप अब इसके प्रति निश्चिंत हो सकते हैं कि मुझसे जो रिस्पॉन्स चाहा गया था पॉजिटिव अथवा नेगेटिव, मैंने मेरी ओर से वो रिस्पॉन्स दाखिल कर दिया है। अंत में दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ऐसे सभी करदाता जो अपनी रिटर्न के प्रोसेसिंग होने का वेट कर रहे हैं वो ये चेक कर पाए इस वीडियो को देख करके कि हो सकता है उनके पास में इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया हो, या कोई मेल नहीं आई हो, या उनके द्वारा ऐसी मैसेज या मेल को देखने में चूक रह गई हो, तो वो भी अपने इनकम टैक्स लॉगिन में जाके वर्क लिस्ट का ऑप्शन देखें, और यदि उन्हें वर्क लिस्ट में इस प्रकार का पेंडिंग रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलता है तो वहां अपना पेंडिंग रिस्पॉन्स फाइल करें। और ऐसे करदाता जिन्हें लगता है कि रिटर्न में कुछ गलती हुई है, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।